रंग पंचमी उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मुकाति मंदिर में मनाया गया। होली के बाद पंचमी तिथि को रंग पंचमी या श्री पंचमी का त्यौहार मुकाति मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। संध्या काल में पूजन के उपरांत भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें रीवा शहर के सुविख्यात कलाकारों द्वारा मनोहारी रंग बिरंगी प्रस्तुतियों से रंग पंचमी मनाई गई। डॉक्टर राजकिशोर मिश्र जी ने अपने होली गीत से संगीत का वातावरण आनंदित कर दिया। पांडे सिर बांधे मुकुट खेले होरी की प्रस्तुति दी। साथ ही मनोहर प्रसाद जी, पप्पू धीरू, लालन शुक्ला, भावना पाठक, मनोभावना सिंह, नरेंद्र सिंह जी ने भी अपने अपने गायन वादन से मनमोहक प्रस्तुतियां दी। चित्रकूट धाम से आए राम जी त्रिपाठी का गायन सभी के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। अभिलाष द्विवेदी ने अपनी तबला संगीत से रंग पंचमी उत्सव में हाजिरी लगाई। धर्माधिकारी स्वामी दामोदराचार्य जी ने बताया कि यह आयोजन 150 वर्षों से निरंतर संचालित हो रहा है। कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी ओम प्रकाश पसारी, अनिल संदीप जडिया गुप्ता, योगेश गुप्ता, शनि अग्रवाल, डॉक्टर गणेश शास्त्री, ब्रजेश राजेश्वर तिवारी उपस्थित रहे। भोजन प्रसाद के बाद कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आज मुकातिक मंदिर में रंग पंचमी मनाई गई, क्या महत्व है रंग पंचमी का? रंग पंचमी का महत्व जो है होली के दहन के बाद से जो शुरू होता है तो 5 दिन तक चलता है, और वृंदावन में रंग पंचमी का विशेष महत्व है, और इसी तरह से वृंदावन के तर्ज में हमारे मुकाति मंदिर में रंग पंचमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ सभी कलाकार यहाँ आ करके रंगोत्सव का रंग पंचमी का कार्यक्रम मना रहे हैं। ये पुरानी परंपरा है, उसी का निर्वहन करते हुए कब से चली आ रही है, ये बहुत पुरानी परंपरा है, 150 वर्ष पुरानी परंपरा हमारे मंदिर की है, जो रंग पंचमी और हर एक उत्सव मनाए जाते हैं।